हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। आई बिलीव लास्ट वीडियो जो भेजा था आपने, जल प्रदूषण के बारे में आपने पढ़ा होगा, बुक्स पढ़ी होगी, वीडियो देखा होगा। तो हमने पढ़ा था कुछ कुछ स्लाइड्स में रिवीजन करवाया था आपको। वी स्टार्टेड विद फ्लैशबैक शुरू किया था, क्या बताओ, 14 जुलाई 1789 को जहाँ रिवोल्ट आउटब्रेक हुआ था। एक कमांड किया था कि भैया उसके हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, रेजोल्यूशन में बताया था कि क्या क्या रीजन था, फ्रेंच सोसाइटी डेवलप किया, क्या डिस्कस किया था, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, टैक्स सिस्टम डिस्कस किया था। फिर हमने स्ट्रगल टू सर्वाइव, जो बेसिक खाना पीने की दिक्कत हुई थी आम आदमी को, वो डिस्कस किया। फिर मिडिल क्लास कैसे ग्रो किया और वो फिर एक रेवोल्यूशन में कितना पार्टिसिपेट किया, वो डिस्कस किया। फिर आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने बताया था कि द नेल इन द कॉफिन वाज की जितने राजा ने बुलाया था अपना मीटिंग, भैया जनरल स्टेट की मीटिंग होगी और वहाँ टैक्स बढ़ेगा। और थर्ड स्टेट के आदमियों ने बोला कि लोगों ने बोला कि भाई वी आर रेडी, बट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव जो भी जा रहे हैं आपके असेंबली में, थर्ड स्टेट में जनरल मीटिंग में, उसमें सबके सबको वोटिंग राइट देनी चाहिए। द किंग डिनाइड एंड द थर्ड स्टेट वॉक्ड ऑफ। फिर वहाँ पे उन्होंने फिर अपना नेशनल असेंबली बनाया। फिर फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ये हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में राजा को जगह दी गई थी, बट उनका पावर को लिमिट किया गया था, उनके पावर को फ्रेगमेंटेड वे में डिसइंटीग्रेट किया गया था बिटवीन थ्री जो होते हैं पार्ट्स, जो थ्री इंस्टीट्यूशन थे उनको मिला था। एक जुडिशियरी आई थी, एग्जीक्यूटिव आया था, फिर लेजिस्लेचर आया, ये सब ने पढ़ा। फिर अब जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो रिपब्लिक होता क्या है, व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक उस पार्ट, उस टाइप का गवर्नमेंट होता है जहाँ पे द गवर्नमेंट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, इवन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो इलेक्ट होता था। अनलाइक मोनार्कियल सिस्टम जहाँ पे राजा को इलेक्ट नहीं किया जाता था, वो इनहेरिट में मिलता था, उनके फादर उस कंट्री के राजा थे, उनका जो आने वाला पुश्त होगा वो भी राजा बनेगा, वो सिस्टम होता है मोनार्कियल। रिपब्लिक में क्या होता है कि लोग इलेक्ट करते हैं, लीडर विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो अभी इंडिया में चलता है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री। तो कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से रिपब्लिक फ्रांस, ये इस स्लाइड्स में पढ़ेंगे, पूरी स्लाइड में पढ़ेंगे। हुआ ये था कि लुई 16 जो था वो उसका पावर लिमिट किया गया था, जो हमने पढ़ा था। लुई 16 को एक नेशनल असेंबली के कंट्रोल में रखा गया था, नेशनल असेंबली के थ्रू। नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो करेगा तभी राजा वापस अपना पावर गेन करेगा। पूरी जो लड़ाई हुई है इतिहास में पावर के लिए हुई है। तो अब क्या किया कि लुई 16 क्या किया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के राजा से मिल करके ये सीक्रेटली प्लान, पैक्ट बनाया, डील बनाया कि भाई हमने नेशनल असेंबली पे हमला करना है, वी हैव टू ओवरथ्रो देम। इनसे पहले कि वो ओवरथ्रो करता, नेशनल असेंबली को ये सब चीज पता चल गई दे पासर्स कि भाई अब हम लोग वी बी अटैकिंग दिस कंट्री, दे अनाउंसेस वार अगेंस्ट दिस कंट्री। तो इसमें अब रीजन क्या होता है ना कि जब एक वार अगेंस्ट हो जाता है तो आर्मी की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग थे, कॉमन लोग थे, वो पार्टिसिपेट करने लगे। अब क्यों पार्टिसिपेट करने लगे, बिकॉज दे सी कि जो वार था दैट इज बिटवीन पीपल एंड द किंग एंड द एरिस्टोक्रेट ऑफ यूरोप। तो ये मास स्केल का लड़ाई हो गया था। इसमें एक पॉइंट था जो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, कि वेरियस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हुए लोग, वॉलंटियर्स लोग जुड़ रहे थे। मसूली से जो वॉलंटियर आए थे वो एक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे जो कंपोज किया था रॉगेट डी लैस्ट्रे ने, और इसको वन ऑफ द मेजर सॉन्ग इन द इवेंट ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, बिकॉज मस्की अब जो है नेशनल एंथम है फ्रांस का, ये याद रखने के लिए। अब दूसरा पहलू था कि जब वार हो रहा था तो लोगों को दिक्कत आती थी, तो जो मेजर आदमी थे वो गरीब तबके के लोग थे जो वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट द किंग एंड द एरिस्टोक्रेट, तो उनको लड़ाई में जाना था। जो घर का खर्च था वो बेसिकली वोमेन और जो घर में बचे हुए लोग थे उनको, बेसिकली वोमेन लोग बची हुई थी उन लोगों को देखना पड़ रहा था। तो कष्ट तो था, दिक्कत तो थी, बट इस कष्ट के बावजूद भी मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन लोग थे वो मानते थे कि भाई रेवोल्यूशन होना चाहिए। उन्होंने पाया था कि पिछले रेवोल्यूशन में आम आदमी को
जो गरीब तबका है उसको बहुत सारा पावर नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, कन्वे दैट रेवोल्यूशन मस्ट बी कैरिड आउट एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव वेरी लेस राइट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बताया हमने पैसिव सिटीजन बना था, पैसिव सिटीजन को राइट्स नहीं था, कब राइट्स मिला था, उनका राइट नहीं मिला था, तो इसलिए वो लोग चाह रहे थे भाई लड़ाई जारी रहेगी। तो उसको जारी रखने के लिए क्या हुआ कि वेरियस पॉलिटिकल क्लब्स बने लगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो नाम आगे फ्रांस की हिस्ट्री में वन ऑफ द मेजर रोल प्ले किया वो था जैकोबिन क्लब। तो हम लोग जैकोबिन क्लब को डिटेल में पढ़ेंगे अगले फिल्म में। तो जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब एक क्लब था जो सेंट जैकब कॉन्वेंट था, फेमस कॉन्वेंट सेंट जैकब के पैरिस का, उसके नाम पे बना था। और उसमें जो लोग थे, जो मेंबर थे, वो मोस्टली थे गरीब तबके के लोग, मतलब सर्वेंट्स, शूमेकर्स, वॉचमेकर्स एक्स्ट्रा, ये भी जो थे ना गरीब लोग, वो लोग ज्यादातर मेंबर थे। और तो बाकी लोग भी मेंबर बन सकते थे, कोई रुका नहीं था। और इनका लीडर था मैक्सवेल रोबेसपियर, एक इम्पोर्टेंट फिगर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये याद रखना पड़ेगा। ये आगे आपके बारे में इसके बारे में डिस्कस इन डिटेल। तो मेंबर ऑफ दिस क्लेस जो था ना, ये लोग जो थे दिखाना था कि भैया हम लोग ही बराबर आ रहे हैं, वी आर नो मोर इंफीरियर देन द नोबल्स और क्लर्गी, इंफीरियर नहीं थे। लोगों को लग रहा था कि नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन पावर्स। तो उन्होंने क्या किया, पावर शो करने का तरीका क्या था, उन्होंने वो जो नोबल्स थे वो नी ब्रिज तक का पैंट पहनते थे, नी ब्रिज के आगे लेदर का शूज रहता था, वो बड़ा बड़ा लेस वाला वो पहनते थे। उन्होंने क्या किया कि उनके विपरीत जा करके कंट्री टू दैट दे स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स पैंट्स, और उसके अलावा उन्होंने पहनना शुरू किया रेड कैप्स टू शो द लिबर्टी, सिंबल करने के लिए, सिंबलाइज लिबर्टी के लिए उन्होंने पहनना शुरू किया, ठीक है। इनको जैकोबिन्स को ये जो पहनते थे ना, उनको कहा जाता था सेंट डोज, डोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है, ये याद है। सेंट टूडोज कौन थे, सेंट टूडोज वेर द जैकोबिन्स, जो पैंट पहनते थे स्ट्राइस वाला लंबा लंबा विदाउट नी ब्रीचेस। अब क्या हुआ कि सिंस मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब पावरफुल हो गया। उसका एक इवेंट हुआ कि इन अगस्त 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, क्योंकि फूड का सप्लाई कम हुआ, अगेन वही ड्राउट हुआ होगा, खाना प्रोडक्शन कम हुआ होगा, तो कॉस्टली हो गया खाना, और पर्सियंस वर वेरी एंगर्ड। तो क्या क्या अगस्त, ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, किल द किंग्स गार्ड, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस को अटैक किया गया, उनके किंग गार्ड को बंदी बनाया गया, और किंग को बनाया गया हॉस्टेज फॉर सेवन आवर्स। लेटर ऑन क्या हुआ, उसके बाद असेंबली जो थी वो वोटेड वोट की कि भाई अब तो राजा को जो रॉयल फैमिली है उसको जेल जाना होगा, दे वर इन प्रिजन। उसके बाद इलेक्शन हेल्ड हुआ, इस इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उससे अंतर क्या हुआ कि इसमें वेल्थ के आधार पर, मतलब हमने पढ़ा था ना पैसिव रीजन में जो लोग 3 दिन का वेज के बराबर का टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं था, वो चीज हटा दिया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि जो भी 21 ईयर्स से ऊपर का मेल है उनको वोट देने का राइट है रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, वेल्थ का वो जो क्लॉज लगा हुआ था वो हटा दिया गया। अब जो नया असेंबली बना उनको क्या कहते थे हम लोग, कन्वेंशन कहते थे। अब कन्वेंशन ने क्या डिसाइड किया कि अब मोनार्की एबॉलिश की जाएगी और जो फ्रांस है दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। ये कब हुआ था, 21 सितंबर 1792। तो फ्रेंच बिकम रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792, ठीक है। इसके बाद राजा का क्या हुआ, लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड, तो फांसी दी गई पब्लिकली, और वहां कहां पे हुआ था, ये पैलेस डी लैक कॉनकॉर्ड फ्रेंच नेम, एंड द क्वीन मेट द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, तो दिन बाद क्वीन को भी सेम चीज किया गया। इसके बाद जो विजन आया, उसके बाद जो समय आया जब फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गया, फ्रांस बन गया रिपब्लिक, उसके बाद एक टेन्योर आया उनके हिस्ट्री में 1793-92, उसको बोला था रीजन ऑफ टेरर। टेरर क्यों, बिकॉज वो टेराइज्ड करने वाला समय था। उसमें हुआ ये था कि करीब 16,594 पीपल वर किल्ड, वे सेंटेंस टू डेथ,
even in, only in France 2639 France meant Paris 2639 people were executed. So, ये बहुत बड़ा एक figure है. तो ये जब ज्यादा लोगों को publicly मारा जाएगा by the government, तो आम आदमी में भय होगा. इसलिए इस region, इस period को बोला जाता है region of terror. तो region of terror में जो main भूमिका बता था, जो lead role में जो play कर रहा था वो था जो Jacobin club का leader था. कौन था leader? Robespierre, जो मैंने पढ़ा था. याद रखना होगा. तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर द लीडर ऑफ जैकबिन क्लब वो लीड कर रहा था गवर्नमेंट को. तो इसमें क्या था ना कि रोबेस्पियर फॉलोड द सीवियर पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट. वो एकदम सीवियर था, मतलब वो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था. ऑल दोज हु ही सॉ एज एनिमी ऑफ रिपब्लिक, जिसको भी उसको लगता था कि वो एनिमी है रिपब्लिक नेशन का. लाइक ये था कि जो उस समय नोबल्स थे या क्लर्की के लोग थे, उनको सॉरी के अच्छा नहीं लगता होगा रिपब्लिक का, मतलब उस समय उनका पावर कुछ और था, पावरलेस हो गए थे. तो देवर बींग उनको पकड़ा जाता था, जेल जेल भेजा जाता था, उनको फिर ट्रायल किया गया जाता था एंड रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. अब उसमें क्या हुआ कि रोबेस्पियर बाकी स्ट्रक्चर चेंज किया था. जैसे रोबेस्पियर इशूड अ लॉ ऑफ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस. मीट और ब्रेड को भी राशन किया जाता था. पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि भैया फिक्स प्राइस पे ही तुमको बेचना होगा, तो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी. मैडम और सर का जो संबोधन होता था उसको बंद किया गया, बंद कर दिया था. चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद करके उसको बैरक बना दिया गया था और ऑफिस बना दिया गया था. तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया था रोबेस्पियर का पॉलिसी कि भाई जो लोग उनका कभी सपोर्ट कर रहे थे वो भी बोले कि इट शुड बी थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत. तो लेकिन रोबेस्पियर को फाइनली जो फेट आया वो है कि उसको भी कन्वेक्ट किया गया और उसको फिर क्या किया गया, गैलिटिन, गिलोटिन. गिलोटिन इज अ फ्रेंच वर्ड. दिस इज वेपन जो बनाया गया था जिससे बिहेड किया जाता था, जिसको भी पनिशमेंट किया जाता था, कैपिटल पनिशमेंट जिसको मिला गया वो गिलोटिन किया जाता था. इसलिए रोबेस्पियर को भी गिलोटिन किया गया. अब डायरेक्टरी रूल फ्रांस में आया. जब जैकबिन रूल्स खत्म हुआ तो अब जो वेल्दियर सोसाइटी था मिडिल क्लास का, वो पावर लेने लगा. यही होता है जब भी सिचुएशन चेंज होता है, तो कोई एक पार्ट ऑफ सोसाइटी फिर पावरफुल हो जाता है. तो अभी जो वेल्दियर मिडिल क्लास था वो पावरफुल होने लगा. तो उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया. इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था कि ये वोट देने का राइट फिर अगेन जिन पर प्रॉपर्टी है, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को फिर से राइट नहीं था वोट देने का. अब क्या होता था यहाँ पे, इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल विच विल इलेक्ट अ डायरेक्टरी. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इलेक्ट करता था डायरेक्टरी. डायरेक्टरी होता था ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स. अब डायरेक्टरी का पोस्ट एक आदमी को चुने दिया गया था, क्योंकि रोबेस्पियर के टेन्योर में देखा गया था कि जब एक आदमी को बहुत ज्यादा पावर मिलता है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी जा सकता है, कभी कभी डिक्टेटरशिप भी आ जाता है. तो वो सारा चीज को देखते हुए 5 मेंबर का डायरेक्टरी में है. बट अब क्या होता था यहाँ पे कि डायरेक्टरी को चुनता कौन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की काम कराना चाह रहा है डायरेक्टरी के मन में नहीं है तो वो नहीं करते थे. तो देर वाज अ फ्रीक्वेंट क्लैश दोनों के बीच. सिंस डायरेक्टरी वर बीइंग अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो कभी डिसमिस कर देते थे उनको. तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलता रहा. जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मिलिट्री को एक पावर मिलता है, क्योंकि मिलिट्री के पास पावर ऑलरेडी है. तो जो मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, वो उभर के सत्ता में आया. ही बिकेम ही केम टू द पिक्चर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ऑफ फ्रांस. एक नाम है जिसके बारे में डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ओवर. फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो होना था वो हो गया. इससे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब व्हाट वाज द रोल ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन वेरियस फेजेस. लाइक जब वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसके अंत तक में वेरियस फेजेस में वुमेन का रोल क्या था और कैसे हुआ था. तो वुमेन वर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. शुरू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज उनको पता था कि अगर रोल प्ले करेंगे तभी उनको भी रिकग्निशन मिलेगा, उनको भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का मौका मिलेगा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, भैया उनको मोर पावर दिया जाए. उनको हमेशा ही पावर लेस किया गया है, ना वोट देने का राइट उनको
अर्गेल पार्ट में था, उनको भी जनरल स्टेट की मीटिंग में नहीं आना था। उसके बाद जो गवर्नमेंट बना उसमें उनको 35 सिटीजन बना दिया गया। उसके बाद वहां पर फिर वेल्थियर क्लास बना, उसमें भी नहीं बना मिला उनको, तो उनको कभी सत्ता नहीं मिली थी, उनको दैट पावर टू वोट नहीं मिली। अब क्या होता था जब थर्ड स्टेट का समय था, मतलब जब राजा का मोनार्की सिस्टम था, तो उस समय भी थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, जो औरतें थी, जो महिलाएं थे, दे हैव टू वर्क। उनको एजुकेशन का राइट नहीं था, ना ही जॉब रेडी मिलती थी। पढ़ने का राइट किसको था ड्यूरिंग मोनार्की? ओनली द वोमेन और द डॉटर्स ऑफ रिच नोबल्स और क्लर्गी को पढ़ने के राइट जो कॉन्वेंट जाते थे। वर्किंग हैड टू केयर द फैमिलीज, दैट इज माय दैट कुक। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज होगा मेरे ख्याल से, कोई कुछ चेंज करना ही होगा। वोमेन हैड टू टेक केयर द फैमिलीज। So that you can remember it. Wages were very low. मतलब wages जो था वो women का low था। जो औरतें थी उनको men के comparison में same काम के लिए wages कम मिलता था। ठीक है, तो अपना voice रखने के लिए उन्होंने भी political clubs बनाए थे। जो most prominent political club था वो था Society of Revolutionary and Republic Women। ठीक है, in the early years revolutionary club गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज टू, जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी शुरुआत में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हुआ था वुमेन के लाइफ में। स्कूलिंग वेयर मेड कंपल्सरी, डिवोर्स को राइट दोनों को दिया गया था, शादी मैरिज हैज टू बी अंडर सिविल लॉ, डिवोर्स रिक्वायर लीगल, जहाँ पे बोथ मैन एंड वोमेन दोनों पे राइट था। बट जब रीजन ऑफ टेरर आया तो उन्होंने फिर से पॉलिटिकल क्लब्स को अबॉलिश कर दिया, सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन कर दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो लेडीज थे, जो वुमेन थे, उनको पनिश भी किया गया, एक्सक्यूज भी किया गया। तो ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहा, और उनको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, बहुत बाद 1946 में जाकर के वुमेन को मिला राइट टू वोट। ये था वुमेन का वोट और वुमेन की कहानी इन फ्रांस। इसके बाद था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो होता क्या है ना, बड़ी स्लेवरी स्लेवरी यहाँ होता है ना, कि स्लेवरी का कंडीशन यहाँ पे एक आदमी को खरीदा जाता है। आज के डेट में करंट है, इमेजिन कि इवन आप ह्यूमन बीइंग कैन बी बाई और बॉट और सोल्ड, पर उस समय होता था। होता क्यों था कि फ्रेंच लोगों का कॉलोनीज हुआ करता था, बाकी पोर्टुगीज का भी कॉलोनीज, यू नो इंडिया वाज समटाइम्स अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, तो वो लोग कॉलोनीज थे बाहर ओवरसीज। तो कॉलेज में दे यूज ट्रेड, ट्रेड क्या होता था कि सच एज टबैको प्रोडक्शन हुआ, कॉफी प्रोडक्शन हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीज काफी सारी चीज प्रोड्यूस करके दे यूज ट्रेड। तो अब यूरोप के जो आदमी थे वो दूसरे कंट्री में जाकर के, ओवरसीज जाकर के, फार ऑफ जाकर के प्रोडक्शन वाला काम में करना नहीं चाहते। अब लेबर की क्राइसिस थी, तो लेबर चाहिए तो फिर कहाँ से आएगा। तो उन्होंने क्या किया ना कि वो अफ्रीका के से जाकर के स्लेव्स खरीदते थे और खरीद करके बाकी कंट्री में बेचते थे। वो एक व्यापार चलता था और ये ट्राइंगल बनता था, स्लेव ट्रेड का ट्राइंगल बनता था यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। इसको बोला था स्लेव ट्रेड, स्टार्टिंग 1700 और ये ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड जो है ना वो स्टार्ट हुआ यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। मतलब अफ्रीका से आदमी खरीदा जा रहा था, यूरोप और अमेरिका में बेचा जा रहा था। तो जब फ्रेंच कॉलोनी जब कन्वेंशन आया 1794 में, कन्वेंशन आया लेजिस्लेचर का कि भैया कॉलोनी के जो स्लेव उनको फ्री कह जाए, पर ये बहुत दिन नहीं चला। 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द रूलर और वो फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज अगर स्लेवरी नहीं है तो बिजनेस कम होगा और एक्सपेंशन कम होगा। एक्सपेंशन के लिए जरूरत है पैसा का, पैसा देंगे बिजनेसमैन को, बिजनेस तभी मिलेगा जब वहाँ प्रोडक्शन होगा जब स्लेवरी आएगी। तो स्लेवरी फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और स्लेवरी फाइनली खत्म हुआ 1848 में। ये था स्लेवरी की कहानी। रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ होता क्या है ना कि ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरुआत हो रहा मोनार्की सिस्टम था, तो राइट नहीं था, मतलब आदमी को लिखने या पढ़ने के लिए सेंसरशिप, जो भी प्रिंट चीज या कोई भी वोकल चीज अगर जा रहा है तो
लोगों के बीच में, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता था सेंसर जो किंग के पार्ट। जैसे कि हमें फिल्म कोई भी रिलीज होती है तो सेंसर से बोर्ड से परमिशन लेके रिलीज, कोई भी फिल्म आकर के आम आदमी के बीच में नहीं आ सकती। ये सेम चीज़ था, इवन एनीथिंग दैट इज बीइंग पब्लिश इन बुक्स न्यूज़पेपर, कोई भी चीज़ पब्लिश होना है उसको सेंसरशिप थी। रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि राइट ऑफ मैन हुआ, सिटीजन को मिला राइट, और पैम्पलेट और बाकी बुक्स जो रिटन मटेरियल है दैट फ्लडेड टू द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। फिर बहुत सारे म्यूजिक्स में काम हुआ, ये सारा चीज़ काम होने लगा रेवोल्यूशन के बाद, जो रेवोल्यूशन के पहले नहीं होता। ठीक है, उसके बाद साइड है नेपोलियन बोनापार्ट। ये साइड आपके चैप्टर में आता है, आपकी बुक में आता है विद द टॉपिक द कंक्लूजन। द कंक्लूजन आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें डिस्कस हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, वो कब बनाया था अपना, क्राउन एंजल है एम्परर 1804, कंक्वर्ड द यूरोपियन कंट्रीज, सारे कंट्रीज को, यूरोप का कंट्रीज को कंक्वर किया, अपने नेबरिंग कंट्रीज को, उसको मॉडर्नाइजर के रूप में देखा जाता है, मतलब यूरोप का मॉडर्नाइजर। उन्होंने बहुत सारा लॉ लाया था जो बाकी आदमी के लिए फायदा बनता, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, डिसिमल सिस्टम लाया, वो जैसे ट्रेड कहीं भी हो जाए वेट और मेजर जो है वो एक यूनिफॉर्म रहे सब जगह। किसी चीज का वजन अगर एक्स के एक्स कंट्री में एक्स प्लेस में एक्स प्लेट में अगर 10 kg है तो वाई प्लेस में भी जाके तो वही हो, वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर वेट्स एंड मेजर प्ले का है। तो इनिशियली जो है ना उसको लिबरेटर के रूप में लोग देखते थे, बट स्लोली क्या हुआ ना कि जब देखा कि कंट्री 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 टू कंट्री इन्वेड कर रहा, तो उसका वो आया कि भाई वो लिबरेटर नहीं इन्वेडर है, मतलब वो हर कंट्री में जाकर के कंट्री के लोगों को वहाँ पे राजा को हराता है, वहाँ इन्वेड करता है और अपने किसी रिलेटिव को वहाँ राजा बनाता है या वहाँ का लीडर बनाता है। फाइनली फ्रांस फ्रेंच मतलब नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हुआ इन बैटल ऑफ वाटरलू 1815, बट उसका जो आइडिया था ना लिबर्टी का, डेमोक्रेटिक राइट्स, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसको एक बहुत दिन तक अभी भी इनफैक्ट यूज किया जाता है। इंडिया में राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान जो है ना रिवोल्यूशनरी फ्रेंच, फ्रांस का जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था बहुत